हाय दोस्तों, जर्मन वाहन निर्माता कंपनी ऑडी ने अपने Q4 e-tron और Q4 e-tron स्पोर्टबैक को पेश कर दिया है। इन इलेक्ट्रिक कारों को कंपनी ने 2019 के जिनोवा मोटर शो में पेश किया था, जो इस साल के अंत तक यूरोपीय बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। फिलहाल जो प्रोडक्शन मॉडल पेश किए गए हैं वो काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट मॉडल से मेल खाते हैं। कंपनी ने ऑडी Q4 e-tron और Q4 e-tron स्पोर्ट्स बैग को 3 वेरिएंट्स यानी कि Q4 35, Q4 40, Q4 50 में पेश किया गया है, जिसमें एंट्री लेवल Q4 35 में 52 किलोवाट का बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो 310 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में 168 हॉर्स पावर की पावर देता है, जबकि Q4 40 में 77 किलोवाट की बैटरी पैक दिया गया है, जो 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और 201 bhp पावर देता है। दूसरी ओर Q4 50 में 77 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है, जिसमें 295 bhp की पावर और 460 nm का टॉर्क जनरेट करता है। ड्राइविंग रेंज की अगर हम बात करें तो Q4 35 जो है वो 341 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज प्रदान करता है, जबकि Q4 जो है वो 520 किलोमीटर तक चलता है। और इसकी जो रेंज बताई गई है और इसके जो स्पीड है वो 0 से लेकर 100 तक की स्पीड जो है वो सिर्फ 6 सेकंड में लेता है। वही इसका टॉप स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। इसके साथ में Q4 को महज 10 मिनट में 130 किलोमीटर के लिए आसानी से चार्ज किया जा सकता है। ऑडी Q4 e-tron यानी कि इलेक्ट्रिक कार जो है ये यूरोप में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल जर्मनी ने इस कार की कीमत 38 लाख रुपए रखी गई है। हालांकि इस कीमत में कोई भी टैक्स मौजूद नहीं है। वही भारतीय लॉन्च पर अभी तक किसी भी तरह की जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है, लेकिन ये बहुत ही जल्द भारत में भी लॉन्च हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।